What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 8 अप्रैल 2020 वेनसडे सुबह के 8:36 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, काफी छोटा वीक है ये, सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस होंगे इस वीक में। फ्राइडे को भी छुट्टी आ रही है, मंडे को छुट्टी थी। तो कल हमने देखा पहले ही दिन एक जबरदस्त तेज मार्केट में पॉजिटिव मूव देखने को मिला। यूएस मार्केट में भी मंडे को काफी जबरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिला था, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इसके खिलाफ काफ़ी जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे कि वैक्सीन मिल जाए। तो दुनिया भर से खबरें आ रही थी कि हमने दवाई ढूंढ ली है, हमारा टेस्ट चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया से भी खबर थी कि उनके साइंटिस्ट ने कुछ टैबलेट का टेस्ट किया है जो 2 दिन में कोरोना वायरस का खात्मा करती है, लेकिन अभी उसका टेस्टिंग चल रहा है। तो ये सारे काफ़ी सारे दावे दुनिया भर से आ रहे हैं, लेकिन जब तक WHO इसके बारे में पुष्टि नहीं करता तब तक ये यहाँ से कहना कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन मिल गई है ये काफ़ी जल्दबाजी होगी। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ चल रही थी वीकेंड में, तो इसका असर हमें मंडे को देखने में मिला था। तो आज निफ्टी में क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू भी करेंगे। कोरोना वायरस का अगर ये फिगर देखे तो काफ़ी टेंशन वाला है। डेथ देखे तो 82,000 के ऊपर डेथ्स हो चुके हैं दुनिया भर में। अभी इंडिया की हालत देखे तो कई सारे एरिया जहाँ पर पेशेंट मिल रहे पॉजिटिव वो सील किए जा रहे हैं। अभी जो कुछ दिन बचे हैं लॉकडाउन के वो तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहा है, कई जगह पर टोटली कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो यहाँ से सिचुएशन अगर वर्स्ट बनता है तो यहाँ से निफ्टी में फिर से एक बार, क्योंकि निफ्टी अभी भी डाउन ट्रेंड में है, जो कल का एक ज़बरदस्त अपसाइड मूव आया था ये सस्टेन हो पाएगा कि नहीं ये कहा नहीं जा सकता। ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल्स कहाँ पर है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, 7 अप्रैल आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ था। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आया बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग तो हमारा यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा था। जो हमने प्री मार्केट प्लान यहाँ पर बनाया था ब्रेकआउट लेवल और सेकेंड टारगेट के ऊपर ही मार्केट निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर ओपन हुआ था। और लाइव मार्केट में देखे तो यहाँ पर एक ये राइजिंग बॉटम बना दिया था, और इसका जब ये नेकलाइन का ब्रेकआउट मिला था तभी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी। लाइव मार्केट में अगर आप एनालिसिस करते तो आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी होगी, लेकिन जो हमने प्री प्लान बनाया था प्री मार्केट प्लान इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग प्लान ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। तो ये कल के एनालिसिस का रिव्यू था। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते। कल ऑयल के प्राइजेस नीचे आने के कारण यूएस मार्केट ने जो शुरू में बढ़त बनाई थी उसके बाद ये थोड़ा सा प्रेशर में ट्रेड कर रहा था। नैसडैक करीब 25 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट देखे तो वहाँ पर कल भी हरे निशान में कारोबार हुआ। आज जब एशियाई बाजार ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी 160 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, और चाइना मार्केट देखे तो 96 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। जापानीज इंडेक्स भी 89 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। तो डाउ फ्यूचर अगर देखे इस समय तो 96 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट को देखते हैं पहले। तो जैसे हमने यहाँ पर फिबोनाची ये रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, कल पहला ही दिन था इस वीक का, तो इसने जो 23.6% का ये जो लेवल है जहाँ पर लास्ट 2 वीक से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, कल इसके ऊपर क्लोज हुआ है। हालांकि अभी ये पूरा वीक कंप्लीट नहीं हुआ, ये वीकली चार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका हाई और इसका लो, यानी ये यहाँ पर और ये लो, इसके बीच में अभी ये दूसरा वीक चल रहा है, ये इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। जो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न चल रहा था ये यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, लेकिन जब तक इसका हाई और इसका लो ब्रेक नहीं करता तब तक हमें आने वाले ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन नहीं मिल सकता। तो इनसाइड बार अभी ट्रेडिंग चल रहा है एज पर वीकली चार्ट। डेली चार्ट को ऑब्जर्व करें तो ये जो अपसाइड मूव आया था इसके सिग्नल्स हमें यहाँ पर यानी 23rd-24th March को ही मिल रहे थे। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने ये पॉजिटिव RSI के डाइवर्जेंस देखे थे वर्सेस प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में ऊपर लोअर लोज बन रहे थे, लेकिन उसी वक्त जब
प्राइस एक्शन में लोअर लोज बन रहे थे, आरएसआई हायर बॉटम्स बना रहा था, ये देखिए। तो ये क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और उसके बाद हमें यहाँ से एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। कल भी ज़बरदस्त काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अगर अभी इसको ऊपर जाना है तो फर्स्ट हर्डल ये 20 EMA का ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये फर्स्ट हर्डल होगा जो करीब 9000 के आसपास अभी इस समय आ रहा है। 4-5 दिनों पहले इसी लेवल के पास से इसने फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखाया था, तो इस लेवल के पास हो सकता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करे, एक रेजिस्टेंस फेस करे। अगर इसे पार कर लेता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 9390 का यहाँ पर हो सकता है। तो ये एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल और मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो। नीचे जहाँ पर स्विंग लो लिया अराउंड 8050 के पास सपोर्ट का काम कर सकता है, वो ब्रेक होता है तो निफ्टी और नीचे आ सकता है। तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स देखें तो अगर निफ्टी इंडेक्स कल का हाई यानी 8817 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, राउंड फिगर कर देते हैं इसको 8820 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 8888 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 8954 के पास है, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो 100 EMA का ग्रे लाइन है इसके नीचे यानी 8701 के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8655, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये आज गैप डाउन ओपन होता है, जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स देख रहे हैं SGX निफ्टी 160 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पिवट पॉइंट के लेवल के नीचे सस्टेन होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8582, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और तभी हमारा सेकेंड टारगेट होगा S1 का ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है 8495, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अदरवाइज ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल के नीचे ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है, ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 8655 का होगा और सेकेंड टारगेट 8582 का होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इनका लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ZERODHA है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।